नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। रुक करेंगे यूपी 75 का। पीएचयू के वैज्ञानिकों का दावा, कोरोना से उबरने वालों के लिए वैक्सीन की एक डोज ही काफी, पीएम को लिखी चिट्ठी। अवैध कच्ची शराब के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान, जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से कुल 25 तस्करों को किया गिरफ्तार, तस्करों के पास से देसी कच्ची शराब बरामद। कौशाम्बी में चुनावी रंजिश में दबंगों ने की जमकर मारपीट, मारपीट में 6 लोग हुए घायल, पूर्व प्रधान व उसके समर्थकों पर हमले का आरोप। कानपुर देहात, खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, पुलिस की मिलीभगत से रात दिन हो रहा मिट्टी का खनन। अयोध्या में जमीनी विवाद में बुजुर्ग पति पत्नी की हत्या से मचा हड़कंप, पुलिस ने आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया। औरैया में तेज रफ्तार कार की चपेट में आने से सड़क पर गिरे बाइक सवार, घटना स्थल पर एक की दर्दनाक मौत, कार चालक मौके से फरार। यूपी के बुलंदशहर में अव्यवस्थाओं का अंबार, नगर पालिका की सामने आई बड़ी लापरवाही, स्कूल की फील्ड को बना दिया डंपिंग ग्राउंड। शाहजहांपुर में लॉकडाउन में समाज सेवी बना गरीब और जरूरतमंदों के सारथी, कोरोना पीड़ितों को भोजन उपलब्ध कराने का उठाया बीड़ा। औरैया के विश्व हिंदू परिषद के स्वयं सेवकों द्वारा लोगों को किया गया जागरूक, बगैर मास्क वालों का तालियों के साथ में माल्यार्पण। कानपुर के हैलेट अस्पताल का मामला, स्वास्थ्य विभाग ने कहा 500 मौतें हुई, हैलेट के पोर्टल पर महज 340 केसेस दर्ज। बलरामपुर में पुल से नदी में कोरोना संक्रमित का शव फेंके जाने का वीडियो वायरल, महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा हुआ दर्ज। झांसी में पुलिसकर्मियों ने चलाया हैंडपंप, निकलने लगी शराब, जमीन के नीचे जहर का बना था स्टोरेज। अलीगढ़ में जहरीली शराब कांड पर बोली प्रियंका, उत्तर प्रदेश में कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावटी पर। कोरोना संक्रमण से दिवंगत पत्रकारों के परिवार को यूपी सरकार देगी 10-10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता। लखनऊ की गोमती नदी में युवती ने लगाई छलांग, आधे घंटे की मशक्कत के बाद में चारवाहों ने युवती को बचाया। जौनपुर में नाबालिग सगी बहनों को भगाने वाले मौलवी को पूर्णिया से पुलिस ने किया गिरफ्तार। मिर्जापुर में पहुंची बारात को नशे में नजर आए बाराती, दुल्हन ने शादी से इनकार कर उतारा नशा। प्रतापगढ़ में गोली मारकर लूटने वाले प्रतापगढ़ के बदमाशों की तलाश में छापेमारी, घायल दोनों युवकों की हालत बनी है गंभीर। प्रतियोगी छात्रा निकली गांजा तस्कर, प्रयागराज पुलिस ने दो को किया गिरफ्तार, 30 किलो गांजा बरामद। पिता की फटकार लगी इतनी नागवार कि किशोरी ने गले लगा ली मौत, कौशाम्बी पुलिस ने घर जाकर की जांच। प्रेमिका के कत्ल के बाद में दूल्हे का सेहरा पहनने जा रहा था फरेबी युवक, प्रयागराज पुलिस ने किया गिरफ्तार।
प्रयागराज में पान का पीक थूकने को खोला चलती बोलेरो का गेट, टकरा कर बाइक सवार पूर्व प्रधान की मौत। गढ़वाला खाप के चौधरी बने राजेंद्र सिंह मलिक, केंद्रीय राज्य मंत्री की मौजूदगी में हुई रश्म पगड़ी। अलीगढ़ में जहरीली शराब से मौतों के बाद में आगरा में छापेमारी, मकान में बन रही थी मिलावटी शराब, तीन लोग गिरफ्तार। आगरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हत्या कर झरना नाले में फेंकी युवती का शव, जांच में जुटी पुलिस। हाथरस के हसायन में युवक ने किशोरी को चाकू से गोदकर मार डाला, फिर खत्म कर ली अपनी भी जिंदगी। कानपुर देहात के शिवली में निर्दयी पिता की करतूत ने दहलाया, बच्ची को सोलर पोल से बांधा। गृह मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट, इंटरनेट मीडिया पर शेयर ना करें कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट, हो सकते हैं ठगी का शिकार। मुरादाबाद में ठेकेदार के घर में डकैती डालने वाला एक और बदमाश गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी। मुरादाबाद के देवापुर में पत्थरबाजी करने के मामले में 8 लोग गिरफ्तार, 50 लोगों पर मुकदमा दर्ज। संभल में एसपी के पीआरओ की आईडी हैक, साइबर ठगों ने बीमारी के बहाने मांगे पैसे। मुरादाबाद में तमंचे के बल पर छात्रा के साथ में दुष्कर्म, पुलिस ने आरोपित को किया गिरफ्तार। जीआरपी ने 2 ट्रेनों से मोबाइल और बैग चोरी करने वाले 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, दोनों को भेजा गया जेल। मुरादाबाद में भाजपा महिला मोर्चा के सदस्यों ने किया रक्तदान, लोगों को किया गया प्रेरित। बसपा जिलाध्यक्ष ने उठाए सवाल, कहा भाजपा सरकार में हो रहे जन विरोधी कार्य, बढ़ रही महंगाई। पिता ने दी तालिबानी सजा, बेटी को पीटा कड़ी धूप में, 2 घंटे तक पोल से बांधा, अरेस्ट। नोएडा में कोरोना संक्रमितों के आंकड़े दिन प्रतिदिन कम हो रहे हैं, लेकिन शहर के कुछ इलाकों में लापरवाही जारी। सहारनपुर में आंधी तूफान का कहर, तूफान से टीन शेड नुमा मकान हुआ धराशायी, मलबे के नीचे दबकर बुजुर्ग दंपति की मौत। भदोही घर में घुसे चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया, नगद समेत लाखों का सामान लेकर फरार हुए। गुरुद्वारा सदर में ऑक्सीजन होल्डिंग सेंटर की शुरुआत होने के बाद में अब गांव के लिए शुरू होगी सेवा, हर दिन 80 से 100 संक्रमितों के लिए होता है यहां पर भोजन वितरित। जून में उपलब्ध होगी वैक्सीन की 12 करोड़ डोजेस, केंद्र ने राज्यों को दी जानकारी, उसी के अनुरूप तैयारी करने को कहा। लखनऊ समेत 20 जिलों में जारी रहेगा कोरोना का कर्फ्यू, अन्य 55 जिलों में वीकेंड लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 7 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदली देश की तकदीर और तस्वीर।
अखिलेश यादव का बीजेपी के सेवा ही संगठन अभियान पर कटाक्ष, बोले झूठे सेवा कार्य का बखान कर रही है सरकार। इंदिरानगर के युवक ने क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर बताकर फंसाया, प्रेम जाल में अश्लील वीडियो बनाकर कराया धर्म परिवर्तन। पटरी पर आने लगी जिंदगी, काम पर लौटने लगे कामगार, फुल हुई दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेनें। पशु तस्करी के मामले में बदमाशों को पकड़ने आजमगढ़ गई थी गोरखपुर पुलिस, बदमाशों ने पीट कर लौटाया। लखनऊ में डॉक्टर की बेटी के अपहरण का प्रयास, चार दिन बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में पांच बाराती घायल, नाराज ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ाया लाठीचार्ज। प्रतिदिन रोजी रोटी कमाने वालों के लिए कोरोना टीकाकरण विशेष अभियान, 15 जून से सभी जिलों में चलेगी मुहिम। आरटीआई में प्रमोट नहीं होंगे विद्यार्थी, जुलाई में होगी परीक्षा, नए प्रवेश प्रक्रिया में भी हो सकता है बदलाव। निलंबित आईपीएस मणिलाल की गिरफ्तारी को जल्द जाएगी टीम, मणिलाल पर 1,00,000 का इनाम। मऊ में खाद्य सुरक्षा विभाग को माइक्रोबियल टेस्ट नमूना रखने का तोहफा, जांच के साथ में बढ़ेगी सहूलियत। बरेली में कोविड संक्रमित महिला की मौत के बाद में अस्पताल से कुंडल चोरी, शिकायत करने पर परिवार वालों को धक्के देकर निकाला। लॉकडाउन और बारिश से घटा प्रदूषण, सबसे कम प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ बनारस। दरोगा ने अपना खून देकर बचाई थी कैंसर पीड़ित महिला की जान, एसएसपी ने सप्ताह भर के भीतर बनाया चौकी इंचार्ज। खून से रिश्ता जोड़कर फरिश्ता बनी गोरखपुर पुलिस, सूचना मिलने के 10 मिनट के भीतर मदद को पहुंचे पुलिसकर्मी। सिद्धार्थनगर के अस्पताल में अब हर मिनट मिलेगा 45 लीटर ऑक्सीजन, पाइपलाइन से जोड़कर दी जाएगी ऑक्सीजन की सप्लाई। महाराजगंज में हुआ बड़ा सड़क हादसा, चार पहिया वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को रौंदा। सरसों तेल, पामोलिन और रिफाइंड की थोक बिक्री में आई कमी, कंपनियों से भी कम दाम में बेच रहे हैं व्यापारी। आगरा में आग की लपटों से जलता रहा ट्रांसफार्मर, ग्रामीण डालते रहे पानी भर भर के बाल्टियां। कोरोना के चलते 5 जून तक नहीं खुलेंगे ताजमहल समेत सभी स्मारक। अलीगढ़ में फर्जी टीकाकरण में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी व एएनएम पर मुकदमा दर्ज। अलीगढ़ में माध्यमिक विद्यालयों में ब्लॉक प्रभारी की मनमर्जी, रिपोर्ट तैयार करने पर हुई खिलाफत। मुख्यमंत्री योगी ने महोबा के लोगों को कहा धन्यवाद, कोरोना के खिलाफ जंग के प्रयास को भी सराहा।
फतेहपुर में गंगा नदी में जलस्तर बढ़ते ही उतराते मिले 7 शव, कोविड प्रोटोकॉल के साथ में किया अंतिम संस्कार। फतेहपुर में शादी की दावत खाकर 75 लोग बीमार, बारातियों ने जताई फूड पॉइजनिंग की आशंका। कन्नौज में हैवानियत की हदें पार, भाई को नौकरी दिलाने का झांसा देकर बहन से दुष्कर्म किया गया। बरेली के भाई बहन के जज्बे को सलाम, स्कॉलरशिप व पॉकेट मनी से लोगों को बांट रहे राशन। तेल माफिया की 5 करोड़ की संपत्ति कुर्क, रिफाइनरी की पाइपलाइन में लगाता था सेंध। अम्बेडकर नगर में दुकान का ताला तोड़कर चोरों ने 10 लाख की नकदी सामान उड़ाया, पुलिस ने घटनास्थल की छानबीन कर चोरों को गिरफ्तार करने का दिया आश्वासन। आजमगढ़ में चोरों ने एक मकान से जेवर और नकदी समेत लाखों का सामान किया गायब, 4 जून को होने वाली बेटी की शादी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में अकाउंट से फर्जी तरीके से एटीएम जारी कर खाताधारक के अकाउंट से रुपए पार किए, जानकारी मिलते ही पुलिस ने टीम गठित कर जांच शुरू की। बुलंदशहर में बेखौफ बदमाशों ने पूर्व सभासद और भाजपा नेता के भाई को दिन दहाड़े मारी गोली, घटना को अंजाम देकर बाइक सवार हमलावर हुए फरार। सीएचसी बाह के स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, दर्जनों ग्रामीण बीमार, ग्रामीण झोलाछाप डॉक्टरों से इलाज करवाने को मजबूर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।